हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एमआरपीएस द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन एंड पीटीआई का है, ज्योग्राफी का है फर्स्ट पेपर, जिसमें विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न मैंने निकाले उसके अंदर से। तो देखते हैं विश्व भूगोल से यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति के तापीय संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये की गई थी 1686 में हेली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूस्थितिक उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, ये उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में पूरे करते हैं, सही है। दूसरा है, ये उपग्रह 45 डिग्री एन से लेकर 45 डिग्री अक्षांश यानी नॉर्थ से साउथ अक्षांश तक का क्षेत्र घेरता है, गलत है। और तीसरा है, ये उपग्रह विषुवत रेखा के ऊपर पृथ्वी का घूर्णन करते हैं, सही है। और चौथा, इन उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर दो गलत है, गलत यानी असत्य कथन है, बाकी एक तीन और चार सही है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है? तो ये हो जाएगा DGN। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वायु आधारित प्लेटफॉर्म है? तो इसका हो जाएगा गुब्बारा। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक GIS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ये है ग्रास GIS। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चैपेरल क्या है? तो ये है कैलिफोर्निया में भूमध्य सागर बायोम की झाड़ियां। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पिकनोक्लाइन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सागरीय जल के घनत्व से। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाजका प्लेट स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, GPS उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक संपूर्ण परिक्रमा करने के लिए लगभग कितना समय लगता है? ये लगता है 12 घंटे। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर इमेजिंग संवेदी नॉन इमेजिंग सेंसर का उदाहरण है? तो यह है रडार ऑल्टीमीटर। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नासा के उपग्रह ऑल्टीमीटर के आंकड़ों के अनुसार 1993 से लेकर 2023 तक वैश्विक औसत समुद्र स्तर में अनुमानित परिवर्तन क्या है? तो यह है 100.5 mm की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विविधता तप्त स्थल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मल मेयर्स द्वारा। तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोस्फीयर यानी जैवमंडल की औसत औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो ये है 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब का क्षेत्र आसपास के व्यापारी पवनों के मौसल के कारण बनता है, गलत है। दूसरा है, उप ध्रुवीय क्षेत्र उच्च दाब का क्षेत्र होता है, ये भी गलत है। तीसरा है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रबल होती हैं, सही है। और ध्रुवीय उच्च वायु दाब का क्षेत्र सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का आकार अंडाकार मार्ग के कारण होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रोमांच गर्त स्थित है? ये अटलांटिक महासागर में। तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? धाराएं महासागरीय धाराएं, तो बगुएला शीत महासागरीय धारा, तो ये शीत महासागरीय धारा सही है। हम्बोल्ट गर्म धारा,
गर्म महासागरीय धारा गलत है क्योंकि ये शीतन महासागरीय धारा है, और तीसरा है कैनरी शीत महासागरीय धारा सही है, और ब्राजीलियम गर्म महासागरीय धारा ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दो यानी युग्म संगत यानी असत्य है, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, उस तत्व को पहचानिए जो लवणीय चक्र का भाग यानी हिस्सा नहीं है। तो संघनन होता है, वाष्पशन भी होता है, वर्षण भी होता है, लेकिन जलायोजनीकरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सहस्पर्श कायांतर की प्रक्रिया से निर्मित है? तो ये है संगमरमर। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी कर्मकता यानी इकोलॉजिकल नीच की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था जे ग्रीनेल ने। वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाण सिद्धांत के पक्ष में नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका व उत्तरी अफ्रीका में कार्बोनिफेरस हिमनीकरण प्रमाण है, तो ये ऑप्शन नंबर एक प्रमाण सिद्धांत नहीं है। बाकी अटलांटिक के दोनों तटों पर भूवैज्ञानिक समानता है, साम्य स्थापना है, और ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत और दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वितरण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 90 ईस्ट कास्ट यानी पूर्व कटक कहाँ स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव विविधता का स्व स्थानीय संरक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान, बाकी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब स्थानीय संरक्षण है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्टेपिस यूरेशिया सही है, पुस्ताज हंगरी ये भी सही है, डाउन न्यूजीलैंड गलत है, ऑस्ट्रेलिया है, पंपास अर्जेंटीना सही है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध के जनवरी के समताप रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, महासागरों पर यह उत्तर की ओर खिसकता है, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता की पुस्तक को विश्व का पहला जलवायु एटलस माना जाता है? तो यह माना जाता है किताबेउल अक्सल को, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय बायोम है? तो यह है सवाना, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय मैगनीज नोड्यूल क्षेत्र क्लोरियन और क्लोरियन क्लोरीपटन क्षेत्र अवस्थित है, तो यह है प्रशांत महासागर में पश्चिमी मैक्सिसो तट के हवाई तक, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बंद सवाना भी कहते हैं? तो ये कहते हैं वुडलैंड वन सवाना, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राजील के सवाना क्षेत्र का स्थानीय नाम क्या है? तो यह है सेराडो, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया था? तो ये किया था रियो भू शिखर सम्मेलन में, तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वाशिंगटन तथा ओरेगन यानी यूएसए की कोस्टगार्ड श्रृंखला का किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वतों के, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकांश सतही महासागरीय धाराओं की गति होती है? तो ये होती है 5 नॉटिकल से कम या बराबर, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य सागरीय बायोम दूसरे क्रम का बायोम है? तो ये है शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम का। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से आधारभूत घटक है? तो ये है ऊर्जा, जैविक घटक और अजैविक घटक, है तीनों, ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ए बी सी।
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दस की वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, दो जिलों में। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से संबंधित करना है, वन के प्रकार है और पेड़ यानी वृक्ष है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये है एबोनी, तो ए का तीन। अल्पाइन वन ये है पाइन, बी का एक। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन यह शीशम, और मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय वन यह है रामबाग, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा तीसरा, यानी तीन, एक, दो और चार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है औद्योगिक प्रदेश से सम्मिलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ब्राजील, दक्षिणी ट्रांसवाल, बाकी जापान कीता क्योंकि चीन कैंटल हांगकांग, फ्रांस लॉरेंस लग्जबर्ग लग्जमबर्ग सही है। नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रारंभिक चरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल को शामिल नहीं किया गया था? तो ये नहीं किया गया था रेशम को, बाकी मक्का बाजरा मोटा अनाज शामिल थे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या डेटा 2021 के अनुसार निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? तो यह है बांग्लादेश, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए है इस नहर का उद्गम पंजाब में स्थित हरी के बैराज से होता है, सही है। बी है पंजाब हरियाणा में इंदिरा गांधी फीटर नहर की लंबाई 170 किलोमीटर है, ये भी सही है। तीसरा है राजस्थान में इंदिरा गांधी फीटर की नहर की लंबाई 34 किलोमीटर है, ये भी सही है। और इस परियोजना की परिकल्पना रावी व्यास नदियों के अधिशेष जल में राजस्थान के हिस्से में 4.59 जल के उपयोग के लिए की गई है, ये भी सही है, यानी चार ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, सभी सही है। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो सम्मिलित करना है, रेलवे जोन है और मुख्यालय है, तो दक्षिणी पूर्व रेलवे इसका मुख्यालय है कोलकाता में, उत्तर पश्चिम रेलवे इसका है जयपुर में, मध्य रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे इसका है जबलपुर में, और दक्षिणी मध्य रेलवे सिकंदराबाद में, तो ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा को केरल में कारी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पीट एम दलदरी मृदा को, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित संरक्षित क्षेत्र है और पुरातत्व से में से कौन सा गलत युगम पहचानना है? तो जोहड़ भीड़ बीकानेर सही है, गुड़ा विष्णु यानी जोधपुर सही है, रोटू सीकर झुंझुनू गलत है, सोंदा माता जालौर सिरोही सही है, तो ऑप्शन नंबर तीन असंगत यानी गलत युगम है। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी, यानी कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी जनवरी 2022 में, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय की चोटियों के सही समूह की पहचान कीजिए जो भारत में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कामेट नंदा देवी एवं नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बारगी एवं तेंदुला नहर परियोजना अवस्थित है, तो ये है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर चार राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मृदा के प्रकार है जिले से सही सम्मिलित है? तो वर्टी सॉइल दोसा गलत है, इनसेप्टी सॉइल झालावाड़ सही है, अल्पी सॉइल जैसलमेर गलत है, एंटी सॉइल बांसवाड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी सही सम्मिलित है दूसरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? तो सूती वस्त्र रामनाथपुरम सही है, पहला जलयान निर्माण विशाखापट्टनम सही है, पेट्रो रसायन पटियाला गलत है, जूट बिरालपुर सही है, तो ऑप्शन नंबर तीन राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं के नियंत्रण एवं सुझाव हेतु राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति की घोषणा की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत के
प्रमुख उद्योग प्रदेश है? तो ये है कोलकाता हुगली, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा मुख्य फसल है और राज्य में सर्वाधिक उत्पादक से सही सम्मिलित नहीं है? तो जूट पश्चिम बंगाल में होता है, सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश में सही है। मूंगफली उड़ीसा, गलत है। मक्का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट राजस्थान 21-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र अभिलेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 12 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अवस्थी से सही सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन उदयपुर, गलत है। पहला दी मेवाड़ सुगर मिल भोपाल सागर, सही है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा, सही है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, सही है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखता है? तो ये रखता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट, राजस्थान में 2022 में औसतन वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर में जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 77.731 मिमी, यानी सेंटीमीटर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, फसल है और उत्पादन जिला है। तो जो 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 वो ये जोधपुर गंगानगर में, अफीम चित्तौड़गढ़ 12 में, धनिया कोटा झालावाड़ में, इसबगोल जालौर सिरोही, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट, कौन सा संस्थान भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक नहीं है? विश्व बैंक है, IMF भी है, WTO भी है, लेकिन एशियन ADP यानी एशियन विकास बैंक नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, प्रदेश है और जनजाति है। तो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश, ये में सेमांग जनजाति मिलती है। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें बद्दू और मानसूनी वन एवं पर्वतीय प्रदेश में संताल और टोंडा प्रदेश में याकतू, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है, जनजाति है और क्षेत्र है। तो जरवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और गद्दी हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में, वारली ये गुजरात में, और उराली केरल में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट, राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रारंभ की गई प्रथम पवन परियोजना का क्या नाम है? तो ये है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, भेड़ की निम्नलिखित नस्लों में से किसे छापर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है चोकला भेड़, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दामोदर घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था? तो बाढ़ नियंत्रण है, मृदा प्रदान नहीं है, सिंचाई विकास है, जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यानोमामी जनजाति का आवास क्षेत्र है? तो ये है अमेजन बेसिन में, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिला है और पुरातत्विक यानी खनन क्षेत्र है। तो राजसंबंध ये ओडन, बांसवाड़ा, कचला, जोधपुर, फलसुन, सीकर, चुरला, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जियो टूरिज्म साइट है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामगढ़ क्रेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी उद्गम स्थल से सही सम्मिलित नहीं है? तो बेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से, गलत यानी सही है, कोठारी का देवेरी की पहाड़ी सही है,
पार्वती का बिजराल की पहाड़ियों से गलत है, काकनी का कोठरी गांव से सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अल्प घनत्व के क्षेत्र उत्तरी अर्जेंटीना सही है, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र पश्चिमी यूरोप सही है, प्राय निर्जन क्षेत्र कनाडा का उत्तरी भाग सही है, साधारणतः घनत्व क्षेत्र कांगो बेसिन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चावल विहीन निर्वाण कृषि पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तरी पूर्व चीन में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो ये पृथक करता है छोटे अंडमान तथा कार निकोबार को। नेक्स्ट, तम्पारा झील रामसर नम भूमि स्थल पर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तम्पारा झील रामसर साइड में शामिल है। नेक्स्ट, कृषि जलवायु प्रदेश 3A में सम्मिलित जिलों का सही समूह है पुरातत्व जिलों के अनुसार, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अजमेर, दौसा, टोंक और जयपुर। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। भूआकृतिक प्रदेश है, उपराकृतिक परिदृश्य है, तो हाड़ौती का पठार ये उपरमाल, तो 1 का 4 मेवाड़ पठारी मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश, ये हो जाएगा लसाड़ी पठार, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, ये हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ी, नागौर उच्च भूमि, कुचामन नावा जिले, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में नगोनी आंतरिक जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जापान के औद्योगिक प्रदेशों में उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित रखने पर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा नागोया, किंकी, हिरोशिमिया, शिकागो और किता क्यूशू। नेक्स्ट, निम्न से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की दाई ओर से ब्रह्मपुत्र की दाई ओर की सहायक नदी नहीं है? तो ये नदी नहीं है दिनसांग, बाकी सांगोस, सुबनगिरी, धनसरी है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जिला है और जिले की कुल जनसंख्या के अनुसूचित जाति ने ऐसी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसका हो जाएगा करौली में थी, करौली में है 24.31%, बीकानेर में है 20.88%, भरतपुर में है 21.87%, अलवर में 17.77%। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, 4, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राजधानी का प्रकार है का उदाहरण है से सही सम्मिलित नहीं है? तो ऐतिहासिक राजधानी रोम सही है, प्रस्तावित राजधानी कैनबरा सही है, सीमावर्ती राजधानी मैड्रिड गलत है, विभक्त राजधानी एमस्टर्डम सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल सांबर झील में प्रवाहित नहीं करती है? तो मासी नहीं करती, बाकी रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सुमेलित करना है खनिज है और खनन क्षेत्र है, तो टंगस्टन डेगाना क्षेत्र, लोहे अयस्क, डाबला क्षेत्र, तांबा, खोदरीबा, सी से दस्ता, जावर। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1, 3, 4, 1, 2।